हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसजी टैक्स सॉल्यूशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। सो आज हम एक शुरू करने जा रहे हैं एक नई फायरवॉल की सीरीज, सिस्को एफटीडी, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग फायरवॉल है और ये प्रोडक्शन में अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। सिस्को का ये प्रोडक्ट ये यूज़ किया जा रहा है और आप लोगों को मालूम ही होगा कि एएसए जैसे कि अब मार्केट से धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो रहा है। सो सिस्को ने एक नया फायरवॉल अपना इंट्रोड्यूस किया, नेक्स्ट लेवल फायरवॉल इंट्रोड्यूस किया, एफटीडी, व्हिच इज स्टैंड्स फॉर सिस्को फायर पावर थ्रेट डिफेंस। ठीक है, फुल फॉर्म है एफटीडी के, सिस्को फायर पावर थ्रेट डिफेंस। ठीक है, सो आज हम इस फायरवॉल के बारे में देखेंगे और आज का हमारा इस वीडियो का एजेंडा होगा कि मैं आपको एफटीडी के बारे में बेसिक्स बताऊंगा, बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन दूंगा एंड उसी के साथ साथ हम लैब सेटअप देखेंगे कि लैब कैसे हम एफटीडी का सेटअप कर सकते हैं अपने लैपटॉप में और उसके लिए आपके पास हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। सो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें लैब्स कैसे सेटअप किया जा रहा है, बट इसका बाकी फायरवॉल्स के मुकाबले इसका लैब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बट मैं आपको इजी वे में बताऊंगा। ठीक है, सो पहले हम लैब सेटअप कर लेते हैं, तब मैं आपको साइड बाय साइड बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन बताता हूँ। सो लैब सेटअप करने के लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट रहेगी कि आपके पास कम से कम विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो भी यूज कर रहे हैं, और वो आइदर विंडो 10 और 11 होना चाहिए विद 16 GB मिनिमम रैम, 16 GB मिनिमम रैम, इतनी रैम आपको रिक्वायर्ड है एंड प्रोसेसर आपका i5 टू i7 चलेगा। ठीक है, प्रोसेसर की बात है तो i5 टू i7 में आप लैब आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा आपके लैपटॉप में या फिर आपके पीसी में VMware करके एक सॉफ्टवेयर आता है, वो इंस्टॉल होना चाहिए। VMware सॉफ्टवेयर, VMware में आप इस लैब को इंपोर्ट करोगे, ये फाइल एक VM की फाइल होगी, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वहीं पे हमारा सेटअप होगा और उसके साथ आपको एक विंडोज 7 ले लो या फिर XP ले लो या फिर 10, एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा, एक ISO ये चाहिए होगा। ठीक है, तो ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी है। 16 GB से कम जिसके भी पास लैपटॉप है उसमें एफटीडी नहीं चलेगा, लैब्स में एफटीडी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पहले लैब कैसे सेटअप करते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है और यहाँ पे मैं आपको लैब सेटअप करना दिखा देता हूँ। तो लैब सेटअप करने के लिए आपके मेरे पास जैसे कि इमेज है यहाँ पे, अगर आप यहां पे जा रहे हो, सॉरी, सो यहां पे मेरे पास ये इमेज है, ये इमेज आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, software.cisco.com से आप डाउनलोड कर सकते हो, बट वहां पे आपको आपकी ऑफिशियल आईडी, सिस्को अकाउंट की आईडी और पासवर्ड लगेगा। ठीक है, सो यहां पे अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो यहां पे आपको ये तीन फोल्डर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, और इन फोल्डर्स को हम कहते हैं आपके VM के फोल्डर्स होते हैं, और इसके अंदर आपको कुछ वर्चुअल डिस्क फाइल दिखेंगे, MF फाइल दिखेगा और OVF पैकेज दिखेगा एंड OVF पैकेज के दो फॉर्मेट दिखेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है सेकेंड वाला। ठीक है, और अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे मेरा VMware ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं 16 यूज़ कर रहा हूँ और आपको भी ऑनलाइन ये ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस इमेज में जैसे दो इमेज है आपके पास, वर्चुअल वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट पैकेज, इसके जो दूसरी इमेज है इसको आपको डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेगा आपके पास ये कुछ खुलेगा, इंपोर्ट वर्चुअल मशीन। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने नाम दे दिया, लेट से मैं नाम दे देता हूँ सिस्को एफटीडी एंड इसको नेक्स्ट करके मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 4 कोर और 8 GB हम यूज़ करेंगे क्योंकि मिनिमम 8 GB इसको चाहिए होता है।
इंपोर्ट करेंगे नेक्स्ट, एंड यहाँ पे अभी हम कोई भी डिटेल्स नहीं डालेंगे और सीधा इंपोर्ट कर देंगे। सो ये इंपोर्ट होने में आपको कुछ सेकंड्स लगेगा और जैसे ही ये इंपोर्ट होगा आपको यहाँ पे एक फाइल दिख जाएगी, यहाँ पे आपको एक फाइल दिखेगी। सो ये आपको ओपन हुआ ही अपने आप, ये ओपन भी हो गया, ऑटो स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये जो एरर आ रहा है इसको नेक्स्ट यस करके यहाँ पे आपको 30 सेकंड्स के अंदर या अंदर आपको एंटर मारना है। 10 सेकंड्स होता है। अब ये प्रोसेस कम से कम आपका 8 से 10 मिनट लेगा, 8 to 10 मिनट्स ये प्रोसेस लेता है। ठीक है, तब तक हम आपको आगे दिखाते हैं कि एक्चुअली में FTD करता क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, सो ये जो फायरवॉल है सिस्को FTD, ये आपका सिस्को का फायरवॉल है और ये किसकी कैटेगरी में आता है, आपका NGFW कैटेगरी में, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कैटेगरी में। ठीक है, नाउ उसके बाद इसके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स है, ये आपका हार्डवेयर बेस्ड भी अवेलेबल है और उसके बाद वर्चुअली भी ये अवेलेबल रहता है। ठीक है, ये फायरवॉल जो है ये आपके दो तरीके से मैनेज किए जाते हैं, ये बाकी फायरवॉल्स की तरह नहीं है, FortiGate, Palo Alto की तरह नहीं है जो कि आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैनेज करने के लिए आपको दो चीज यूज करना होता है, दो तरीके से होगा, आइदर ये FDM के थ्रू मैनेज होगा और FMC के थ्रू मैनेज होगा। ठीक है, सो FMC एक अलग कहानी है, यहाँ पे हम जो इस कोर्स में हम देखेंगे कि FTD को FDM से कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, सो FDM का मतलब हो गया फायर पावर डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं और कैसे हम एक्सेस करेंगे वो सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद अगर मैं FDM की बात करूं तो FDM के कुछ प्रोज है एंड कुछ कॉन्स है। ठीक है, प्रोज जो है वो आपका इजी टू एक्सेस है, इजी टू यूज है। ठीक है, एंड इजी टू यूज है, आप वहां पे चीजें देख सकते हो, आप इजी टू कॉन्फ़िगरेशन भी है। ठीक है, और कॉन्स जो है, आप यहाँ पे फायरवॉल के काफी रिसोर्सेस आप यूज नहीं कर सकते हो। सो बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर मैंने भी ये इशू फेस किया है कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में FDM है वहां पे आप फायरवॉल के काफी रिसोर्सेस को यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लेट्स से ये लॉक्स हो गए, लॉक्स के अलावा आपका कुछ कॉन्फ़िगरेशन, लेट्स से SMTP हो गया, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप डिटेल में नहीं कर सकते हो FDM के ऊपर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, उसके बाद अगर मैं फायरवॉल की बात करूं तो यहाँ पे फायरवॉल एक्सेस करने के लिए आपको एक मैनेजमेंट टाइप ही लगता है। सो बेसिकली इस फायरवॉल का दो पार्ट होता है, एक होता है आपका मैनेजमेंट प्लेन और एक होता है आपका डेटा प्लेन। ठीक है, तो लेट्स से ये डेटा प्लेन है जहां से आपके यूजर्स का डेटा पूरा फ्लो करता है एंड मैनेजमेंट प्लेन से आप फायरवॉल को एक्सेस कर सकते हो, मैनेजमेंट प्लेन से आप फायरवॉल को आप एक्सेस कर सकते हो। और ये दोनों ही प्ले, आपका मैनेजमेंट एंड डेटा प्लेन सेपरेट होता है FTD के अंदर। नाउ FTD में बाय डिफॉल्ट अगर मैं बात करूं तो IP आती है 192.168.45.1 एंड क्रेडेंशियल रहता है एडमिन एंड पासवर्ड होता है एक एप्स में एडमिन 123। ये डिफॉल्ट क्रेडेंशियल के साथ फायरवॉल आता है। इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो अपना लैपटॉप लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस आईपी को अपने लैपटॉप में डालते हैं और वो एक्सेस करते हैं फायरवॉल को और वो मैनेज करते हैं। उसके बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती है बाय डिफॉल्ट, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जब मैं लैब सेटअप करूंगा। तो ये ओवरऑल पूरा फायरवॉल का ओवरव्यू है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बहुत ही ईजी वे में सेग्रीगेट किया गया है। ऐसा नहीं है, लेट्स से अगर आपने बाकी फायरवॉल्स देखा होगा जहाँ पे आप किसी भी इंटरफेस से आप लेट्स से कि आप एक्सेस कर लेते थे, लेट्स से गेट 1/0
0/1 इन इंटरफेसेस से आप कर सकते थे, बट नहीं, इस फायरवॉल में आपको एकदम सेपरेट मैनेजमेंट प्लेन मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है और लैब सेटअप करने में यहाँ पे आपको 15-20 मिनट्स लगेगा, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये सारी चीज़ें अभी ये प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये जो फायरवॉल है सिस्को FTD जो है, ये आप यू कैन से इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ASA प्लस फायर पावर। फायर पावर का एक मॉड्यूल आता था, ASA के अंदर फायर पावर का एक मॉड्यूल आता था जिससे हम ट्रैफिक को मैनेज करते थे एंड ट्रैफिक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे। तो ये आपका जो सिस्को FTD जो है, फायर पावर थ्रेट डिफेंस, ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ ASA प्लस आपका फायर पावर का है। अपार्ट फ्रॉम डेट, अगर मैं इसका थोड़ा सा बेसिक में बता सकूँ हार्डवेयर का, सो ये आपका जिस प्रोसेस पे चलता है उसको हम कहते हैं लीना प्रोसेस। लीना प्रोसेस पे काम करता है, प्रोसेसर पे काम करता है ये। इसके अंदर आपका लीना, उसका इसके अंदर लिनक्स बेस्ड भी आपके कुछ CLI कमांड्स है जो लिनक्स बेस्ड है, जैसे लिनक्स में हम कमांड चलाते हैं वो होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आप CLI से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हो, सिर्फ मैनेजमेंट IP के अलावा। सिर्फ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आप मैनेजमेंट IP कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आइदर आप लैब में या फिर आप प्रोडक्शन में, बस मैनेजमेंट IP आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आपको GUI मिलेगा। सो जो हम इस कोर्स में FDM देखेंगे, ये पूरा आपका GUI बेस्ड होता है। ठीक है, एक एक कॉन्फ़िगरेशन, आइदर आपका इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, ACL, NAT, VPN, ऑब्जेक्ट्स, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए, ये सारे हम कवर कर सकते हैं GUI से, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से। सो हम अपने VM में जाते हैं और ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो यूज किया है सिस्को फायर पावर, लेट मी बिग द स्क्रीन, इंक्रीज द स्क्रीन साइज जस्ट अ मिनट। यहाँ पे मैंने यूज किया है सिस्को फायर पावर थ्रेट डिफेंस फॉर VM 7.3.1। सो ये मेरा वर्जन है जो मैं यूज कर रहा हूँ इसके अंदर। अभी अगर मैं बात करूं तो लेटेस्ट है 7.4.2, ठीक है, बट मैं यूज कर रहा हूँ 7.3.1 लैब के अंदर। सो यहाँ पे अब मुझे फर्स्ट टाइम लॉग इन करना है, तो यहाँ पे मुझे इनिशियल सेटअप क्या करना होता है लैब के लिए, एंड बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज आपके अपने हिसाब से डालना है। ठीक है, जो आपका नेटवर्क है। तो मैं ये करने से पहले मैं आपको नेटवर्क डायग्राम भी दिखा देता हूँ कि मैं इस कोर्स में क्या नेटवर्क डायग्राम लूंगा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आप लोगों को। सो डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये एक डायग्राम रहेगा जिसमें मैंने एक FTD लिया है, और ये अगर मैं FTD का हार्डवेयर की बात करूं तो ये हार्डवेयर कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आपके इंटरफेसेस लगे रहते हैं यहाँ पे, ये SFR मॉड्यूल के लिए होता है, उसके अलावा ये पावर कॉर्ड होता है, यहाँ पे आपको एक स्विच मिल जाएगा, ये USB पोर्ट हो गया, ये Type-B पोर्ट हो गया जो पहले यूज होते थे, यहाँ पे आपको मैनेजमेंट पोर्ट है। अगर आप लोग प्रोडक्शन में फायरवॉल यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मैनेजमेंट पोर्ट दिखेगा, ये मैनेजमेंट होगा और ये आपका CLI बेस्ड पोर्ट होगा। ठीक है, सो लाइक ये बहुत ही पूरा सेपरेट है। कि अब सेपरेट का रीजन क्या है कि आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी फीचर, कि अगर कल को मेरे फायरवॉल पे अटैक हो जाता है, समहाउ मेरा फायरवॉल ब्रीच हो जाता है, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है, सो उस केस में भी मैं फायरवॉल को अपना एक्सेस कर पाऊंगा दूसरे मैनेजमेंट IP से, बिकॉज ये जो मैनेजमेंट IP है ये इंटरनेट पर राउटेबल नहीं होती है। सो लैब का ये स्ट्रक्चर रहेगा मेरा, जिसके अंदर अगर मैं आपको दिखा सकूं, सो
ये इंटरनेट रहेगा, इंटरनेट का एक क्लाउड है, यहाँ पे एक फायर पावर, एक स्विच और कुछ मेरे यूजर्स, ठीक है। सो लैब के जो इनसाइट पे मैं जो आईपी कॉन्फ़िगर करूँगा जब मैं आपको दिखाऊंगा, वो ये आईपी रहेगी 192.168.45.0/24 का मास्क लेंगे, और यहाँ पे ये आईपी लेंगे आउटसाइड पे 192.168.100.121/24 का मास्क लेंगे, और ये मेरी प्राइवेट आईपी है कहाँ की, जो मेरा होम राउटर है, होम राउटर है उसकी ये प्राइवेट आईपी है। सो मैं इसको एज अ वैन आईपी की तरह एक्ट करवाऊंगा, ठीक है। सो ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर रहेगा, और एक्सेस करने के लिए जो मेरा ये लैपटॉप है, जो मेरा लैपटॉप है, इसको मैं यहाँ पे मैनेजमेंट पोर्ट से आइडेंटिफाई कर रखूंगा, कैसे कनेक्ट होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए लैब में लेके चलते हैं। अब आप लैब में आए हो, तो अब आपको यहाँ पे पता कैसे चलेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सेटिंग्स में जाओगे, सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि इसमें से मैनेजमेंट पोर्ट कौन सा है, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा, हमारा किस इंटरफेस पे क्या कन्फिगर है, इंटरफेस वन किससे कनेक्टेड है, इंटरफेस टू कनेक्टेड कैसे है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। सो मैं इसका बताता हूँ कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे बहुत ही ईजी वे में, ठीक है। लेट्स से चलिए फर्स्ट टाइम लॉग इन करना है एडमिन, एंड पासवर्ड डाला एक एप्स एडमिन 123। जैसे ही आप यहाँ पासवर्ड डालोगे तो यहाँ पे एक लाइसेंस एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, तो हम एंटर दबा देंगे एक बार और एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे नया पासवर्ड पूछ रहा है, सो आई एम पुटिंग एडमिन एट द रेट 123। मेक श्योर कि पासवर्ड में स्पेशल करेक्टर, नोमैरिक, अपर केस लोअर केस दोनों, चारों केसेस होने चाहिए। जैसे ही यहाँ पे आपने डाला तो ये पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टू कन्फिगर IPv4। सो माई आंसर इज, ये वैसे वाई सजेस्ट कर रहा है, बट अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, बाई डिफॉल्ट ये वाई सजेस्ट कर रहा है। 6 करना चाहते हो? नो। अब यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुली देखना है कि आप यहाँ पे आईपी एड्रेस कैसे कन्फिगर करना चाहते हो, DHCP से और मैनुअली। सो मैनुअली बिकॉज यहाँ पे केयरफुली क्यों, क्योंकि लैब में आपको यहाँ पे आप रोल बैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्रोडक्शन में क्या होता है कि आप रोल बैक कर सकते हो न्यू फायरवॉल पे, बट यहाँ पे नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने दिखाया आईपी, यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट आईपी है वो 192.168.45.45 है। सो मैं यहाँ पे आईपी ले लेता हूँ। अब देखिए और एंटर, ठीक है। 26 मैंने डाला और डिफॉल्ट मास्क है तो ये ऑलरेडी दिखा रहा था, आप सिर्फ एंटर भी दबा सकते हैं अगर आपका ये है। गेटवे आपका हो जाएगा 192.168.100.1, ठीक है। FQDN पूछ रहा है, आपको फुल्ली क्वालिफाइड होस्ट नेम डालना है, तो मैं डाल देता हूँ FTD.ASG या फिर ASG.FTD.local, ठीक है। उसके बाद एंटर। इफ यू आर कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन हैज चेंज, यू विल बी नीड टू रिकनेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ इसके बाद ये पूछ रहा है मैनेज टू डिवाइस लोकली, यस, हमें FDM से एक्सेस करना है, तो यस लोकली हमें एक्सेस करना है। यहाँ पे यस करने के बाद अब बाहर आ जाइए कंट्रोल ऑल्ट से, और यहाँ पे आप अपना CMD ओपन करिए, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर, यहाँ पे वो आईपी डालिए जो मैंने वहां पे कॉन्फ़िगर किया 192.168.100. क्या आईपी मैंने डाला है? 26, और यहाँ पे मैंने -T। सो ये आईपी एक्सेस हो रहा है, बट हमें वेरीफाई करना है क्या ये आईपी, क्या हमारा कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो चुका है। सो उसके लिए कमांड आता है शो स्पेस मैनेजर्स। So, इससे आपको पता चल जाता है कि फायरवॉल आपका कैसे, कौन कौन मैनेज कर रहा है, कौन कौन डिवाइस। तो यहाँ पे लिखा है मैनेज लोकली,
अब आपको सिंपल जाना है ब्राउजर में अपने, और यहाँ पे 192.168.100.26 डालना है विथ HTTPS। यहाँ पे आ गया योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे आप लोग एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का पेज आएगा जहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योर सिस्को, सिक्योर सिस्को का लोगो रहेगा, सिस्को सिक्योर FDM फायर पावर फायरवॉल डिवाइस मैनेजर। आपको यहाँ पे यूजर नेम डालना है, पासवर्ड एंड लॉगिन। सो जैसे आप यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, कौन सा डालोगे जो अभी आपने सेट किया है, एडमिन एडमिन एक एप्स में @123। सो ये फर्स्ट टाइम आपने लॉग इन कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली करना है स्किप द डिवाइस सेटअप, अभी हम कुछ सेटअप नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस ट्रायर सर्च करना होगा, तो ये आप लैब के लिए 4 कोर 8 GB सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 90 डेज, अब देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन इवैल्यूएशन लाइसेंस देता है इसको, 90 डेज तक आप इसको यूज कर सकते हो बिना किसी लाइसेंस को परचेज किए, 90 डेज तक आप इसके सारे रिसोर्सेज यूज कर सकते हो। और इसको कंफर्म कर दो, पोस्ट 90 डेज आपको लाइसेंस परचेज करना होता है इसका, और फिर वो लाइसेंस आपको डालना होता है, तो वो प्रोडक्शन की बात है। यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट 90 डेज सिस्को के सारे फीचर्स यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप आ जाओगे फर्स्ट टाइम, तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे इंटरफेसेस दे रखे हैं, ये आपका पूरा ओवरव्यू फर्स्ट टाइम रहता है। ये 00 इंटरफेस है, ठीक है, 01 हो गया, 02 हो गया, इस तरीके से 7 इंटरफेस है। यहाँ मैनेजमेंट है जो हमने 100.26 सेट किया था, यहाँ कंसोल है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0.1 ये जो इंटरफेस है ये हम डिफाइन है किसके लिए, इनसाइड नेटवर्क के लिए, और 0.0 ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इसने डिफाइन कर रखा है मेरे इंटरनेट के लिए, जहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ISP WAN और गेटवे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अब सिस्को, जैसे अगर किसी ने पालो अल्टो पर काम किया तो जस्ट लाइक यहाँ पे भी ऐसे ही काम होता है कि आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो उसके लिए पालो अल्टो में हम कमिट यूज करते थे और यहाँ पे हम डिप्लॉयमेंट वर्ड यूज करते हैं। तो हमें कुछ भी चेंज करना होता है तो हम यहाँ पे डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करते हैं। लेट्स से कुछ भी, लेट्स से मैंने एक IP एड्रेस चेंज किया या फिर मैंने कुछ रिमूव किया, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का ऐसा मार्क दिखेगा, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे कि आपको क्या क्या यहाँ पे डिप्लॉय करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेस करना होगा डिप्लॉय नाउ पे, और अगर आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दो, और जो चेंजेस आप डिस्कार्ड करना चाहते हो आप मोर एक्शन पे क्लिक करके उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हो। सो फर्स्ट टाइम क्या होता है, जब आप लोग इसको सेटअप करते हो तो ये कुछ रूल अपडेट्स और ये सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट लेता है, तो इसको आप डिप्लॉय कर सकते हो। आइदर आप देखिए मोर एक्शन में जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो डिप्लॉय से पहले कि क्या क्या आपका डिप्लॉय होता है, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या डिप्लॉय कर रहे हो, और आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हो, ठीक है, कि जो भी आपने चेंजेस किया है वो रिवर्ट बैक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लॉय नाउ किया मैंने और ये ओके कर दिया। उसके बाद ये मॉडल आ जाएगा, यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, उसका इंट्रोडक्शन वर्जन हो गया, क्लाउड सर्विसेज, हमारे पास कोई भी अभी लाइसेंस खरीदा हुआ नहीं है तो हमें क्लाउड सर्विसेज यूज नहीं कर सकते, HA का स्टेटस हो गया, यहाँ आपका एडमिन हो गया। अब ये भी एक डिसएडवांटेज है, आप यहाँ पे यूजर अकाउंट्स अलग से नहीं बना सकते हो FDM पे, FDM पे आप यूजर अकाउंट्स अलग से नहीं बना सकते हो, ये भी एक डिसएडवांटेज है। अब यहाँ से आप इसको प्रोफाइल सेट कर सकते हो, आपको क्या कलर लेना है, टेंगो हो गया, टेंगलो हो गया, आपका हाई कॉन्ट्रास्ट रखना है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे ये चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं ये छोटे से चेंज कर रहा हूँ कि मैं टाइम चेंज कर रहा हूँ, हमारा इंडिया का आता है +530। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेव करूंगा, तो मैं जैसे ही सेव करूंगा अभी मैं देख लेता हूँ डिप्लॉय मेरा हो रहा है, तो मेरे अभी चीजें डिप्लॉय हो रही है। सब देखिएगा डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोसेस, तो कई बार होता है कि हमें कुछ और भी चेंजेस करने होते हैं हम कर नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे ओके कर दीजिए तो यहाँ पे बैकएंड में वो प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है।
सो यहाँ पे लेट्स से मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया और ये मैंने जस्ट नेक्स्ट किया। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा मुझे यहाँ पे वो ऐसी ऑरेंज मार्क दिख जाएगा और मुझे फिर से डिप्लॉय करना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेंडिंग चेंजेस में दिखा रहा है डिप्लॉयमेंट क्या करना है। अब ये आपका यूटीसी और पेंडिंग वर्जन में एशिया कोलकाता ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है। सो ये यहाँ पे चेंजेस आप पहले मैं पुराना डिप्लॉयमेंट हो जाएगा तब मैं दूसरा करूँगा। उसके अलावा सेम है, आप मॉनिटरिंग के लिए ऊपर का टैब यूज़ कर सकते हो। पॉलिसीज हम बनाएंगे, नेट बनाएंगे, ACL बनाएंगे, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस हो गया, ऑब्जेक्ट्स देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं और डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन करना देखेंगे। ये ऑब्जेक्ट्स हो गया, ये आपका डिवाइस हो गया, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना देखेंगे। उसके बाद आप यहाँ से सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ईजिली, मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में ईजी टू एक्सेस होता है, यहाँ पे आप ईजिली हर एक चीज़ को एक्सेस कर सकते हो वन बाय वन। तो ये लैब सेटअप होता है। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि यहाँ पे जो मैंने आपको वीएम वेयर में दिखाया, यहाँ पे आप सेटिंग करते हो, सेटिंग पे क्लिक करते हो, तो आपको अब पता कैसे चलेगा कि मेरा यहाँ पे 00 कौन सा है, 01 कौन सा है या फिर मैनेजमेंट कौन सा है। सो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में डालना होगा पुटी, और पुटी पे 192.168 100.26 IP को SSH करना है, जो कि मेरा FTD का मैनेजमेंट IP है। यहाँ पे मैंने एडमिन और यहाँ पे मैंने admin@123। अब जो मैं बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको कमांड डालनी है सिस्टम सपोर्ट डायग्नोस्टिक CLI। यहाँ पे आ गए आप लोकल में, यहाँ पे इनेबल ASA की तरह, यहाँ पे भी आपको कोई पासवर्ड नहीं डालना होता, बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे बस एंटर दबा दीजिए और यहाँ पे आप आ गए इसके अंदर। यहाँ पे आपको डालना है शो इंटरफेस, दैट्स इट। यहाँ से आप पूरा ये देख लो। उसके बाद अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो हमें वैसे लैब के लिए सिर्फ तीन इंटरफेस चाहिए, एक मैनेजमेंट, एक लोकल इनसाइट कह सकते हो इसको इनसाइट, और एक आउटसाइट। यही तीन इंटरफेस चाहिए हमें, इसी में हमारा पूरा FTD हम समझ लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे शो इंटरफेस का पूरा फिलहाल के लिए आउटपुट कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आपने नोटपैड ओपन करना है, एक नया नोटपैड प्लस प्लस आप यूज कर सकते हैं। और यहां पे पेस्ट मार दिया। अब पहले हम मैनेजमेंट सर्च करेंगे, तो यहां कंट्रोल F और हम सर्च करेंगे MANA मैनेजमेंट। सो इन सब चीजों के लिए आपको नोट्स बनाने होंगे। सो लेट्स से ये मैनेजमेंट हो गया, तो मैनेजमेंट का अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक मैक एड्रेस दिख रहा है DD20 294C DD20। सो आपको लैब के लिए ये नोट्स आप बनाना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस है ये। अब हमें यहाँ पे वही मैक एड्रेस सर्च करना है। नोटपैड में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और साथ में VM की सेटिंग खोल लेता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे नोटपैड में क्या दिखाया है, DD20। यहाँ गए नेटवर्क अडेप्टर में गए। अब यहाँ पे हमें मैक एड्रेस कैसे पता चलेगा, हर एक का मैक एड्रेस देखना पड़ेगा क्योंकि 10 है। सो लेंस यहाँ पे ब्रिज नेट ऑटोमेटिक में गए और यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करोगे, तो एडवांस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या है, DD16। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, DD20। सो हमारा पहला इंटरफेस तो ये नहीं है। दूसरा देखते हैं, सेम ये मेरा मैक एड्रेस मैच हो गया, 00C 294C DD20। सो 294C DD20 294C DD20। सो ये आपका मैनेजमेंट हो गया, कौन सा, ये। सो आपको क्या करना है, नोटपैड पे जाना है, एक नोटपैड ओपन करना है
और यहाँ पे लिख देना है नेटवर्क, और या फिर बेशक से आप इस तरीके से लिखो मैनेजमेंट और यहाँ पे आपने लिख दिया किस पे है नेटवर्क अडेप्टर टू पे, ठीक है। और इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, बाय डिफॉल्ट सब आपको ब्रिज में मिलेंगे, तो आपको इसको इसमें ब्रिज में ही रखना है, इसको आपको चेंज नहीं करना है। जिसको चेंज करना है मैं आपको बता दूंगा ऑटोमेटिक, ठीक है, क्योंकि आप प्रोडक्शन में तो हार्डवेयर होता है, यहाँ पे आप लोगों के पास लैब होता है तो आप यहाँ पे नहीं देख पाओगे। तो मैनेजमेंट, ठीक है, ये ब्रिज ओनली, ये आपका मैनेजमेंट पोर्ट हो गया, ये टू आपका मैनेजमेंट पोर्ट हो गया। अब हमें देखना है गिग 00 और किसको देखना है, गुई पे चलते हैं। गुई पे जाओगे तो आप यहां पे जैसे मैंने बताया बाय डिफॉल्ट सेट है, तो अभी हम इसी को लेके चलेंगे क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो 00 को इसने क्या डिफाइन कर रखा है, अगर आप यहाँ लाइन देखोगे 00 ये आउटसाइड पे जा रहा है और ये आपका इनसाइड, लैन के लिए हम ये यूज करेंगे और इंटरनेट के लिए हम ये यूज करेंगे। सो अब 00 पे चलते हैं, वापस से नोटपैड प्लस प्लस पे, और इस बार हम सर्च करते हैं गिग इथरनेट, यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल एफ और 00। हाँ, ये 00 पे क्या मैक एड्रेस है, DD2A, बिकॉज ये मैक एड्रेस, हर एक इंटरफेस का मैक एड्रेस किसी भी नेटवर्क डिवाइस में यूनिक होता है, ठीक है। सो ये मैक एड्रेस किसी और इंटरफेस को नहीं मिल रहा, तो DD2A यहां पे गए, वापस से राइट क्लिक सेटिंग्स DD2A, तो अब यहां पे वापस से एडवांस पे जाना है और यहाँ पे 16 है तो ये नहीं है, 2 हमने ऑलरेडी यूज चेक कर लिया मैनेजमेंट के लिए, अब 3 पे देखते हैं DD2A, सो ये भी हमारा मिल गया DD2A 294C DD2A 294C DD2A, वापस आ जाना है और ये किस पे मिला है हमें 3 पे, सेम चीज यहाँ पे लिखना है, कॉपी कर लो बेशक से, और यहां पे मैनेजमेंट की जगह आपको अब क्या लिखना है आउटसाइड। ये मैं क्यों आउटसाइड इनसाइड यूज कर रहा हूं ये आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा, और यहां पे भी इसको नेटवर्क अडेप्टर 3 रख लेना है, ठीक है, और सेम इसको ब्रिज ओनली में, ब्रिज ऑटोमेटिक में ही रखना है। इसके बाद हमें लैन के लिए सर्च करना है, तो लैन के लिए हमारा क्या नंबर था 01, कंट्रोल एफ, सॉरी 0/1, सो ये रहा इंटरफेस मुझे मिल गया, ये 0/1 यहाँ पे इनसाइड अभी बाय डिफॉल्ट है, प्रोटोकॉल लाइन अप है, और यहाँ पे मैक एड्रेस DD34 294C DD34, सो वापस मुझे यहाँ पे आना है। अब मेरा 2 का काम हो गया, 3 का हो गया, अब मुझे क्या सर्च करना है DD34, यहाँ गए 4 पे देखते हैं एडवांस, ये मिल गया मुझे, ठीक है। अब क्या करना है आपको यहाँ पे आपको LAN सेगमेंट पे क्लिक करके एक LAN नाम का एक नया बनाना है, यहाँ पे LAN सेलेक्ट कर लेना है, जिसका भी नहीं आ रहा वो आप यहां से क्रिएट कर सकते हो कितने भी, मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लैन सेलेक्ट किया, ये आपको एज अ स्विच की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक स्विच तो इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, तो ये स्विचिंग की तरह काम करेगा ये लैन सेगमेंट, ठीक है। और ये किस पे था, सॉरी एक बार दोबारा देख लेते हैं, 4 पे DD34 यही था हमारा मैक एड्रेस, करें ठीक है, तो ये 4 पे था, तो यहाँ पे हमने लैन किया और यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, सेटिंग्स में जाओगे तो 2 को आपको ब्रिज ओनली में रखना है और लैन सेगमेंट को आपको अलग कर देना है,
और जो विंडोज आप डालोगे, ये विंडो एक्सपी मेरे पास है, ये भी दिखा देता हूँ, पहले हम नोट कर लेते हैं। सो यहाँ पे वापस से एसी को कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे अब हमें क्या सर्च करना है, हमने यहाँ पे लैंड डाला, लैंड सेगमेंट नेटवर्क अडेप्टर, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, फोर है इसका, और यह ये किस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, इनसाइट के लिए। अब इसका फायदा क्या है लैंड सेगमेंट का, कि अब लेट से मैं, मेरे पास ये कुछ विंडोज पीसी इंस्टॉल है, मैं एक्सपी यूज कर रहा हूँ, तो इसके जो नेटवर्क अडेप्टर है उसको भी मैं सेम सेगमेंट पर रखूंगा, सेम सेगमेंट में रखूंगा। तो जैसे मैं सेम में रखूंगा तो क्या हुआ, लैन सेगमेंट का मतलब अज्यूम कर लो ये स्विच, यहाँ पे मेरे दोनों यूजर कनेक्टेड है, तो जिनको भी लैन सेगमेंट पर रखूंगा वो लैन में कनेक्टेड होते जाएंगे, इनसाइड में कनेक्टेड होते जाएंगे। बेस्ट प्रैक्टिस यही होता है कि इसको आप संभाल के रखो, क्योंकि आपको यहाँ पे देखकर बाय डिफॉल्ट पता नहीं चलेगा कि कौन सा अडेप्टर किसके लिए यूज हो रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे अडेप्टर, 10 अडेप्टर्स है, तो ये कंफ्यूजिंग होता है। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट कन्फिगर रहेगा, नहीं तो आप ये नोट्स बना सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके आगे आप लिख सकते हो कि ये मैनेजमेंट के लिए यूज हो रहा है और ये इसके लिए यूज हो रहा है। बस आपको क्या करना है, पुट्टी में जाके ये आउटपुट निकालना है, कमांड क्या डालना है आपको, यहाँ पे पुट्टी में जाके शो इंटरफेस और एंटर, ठीक है। तो लैस सेटअप के लिए आपको बस इतनी रिक्वायरमेंट होती है, और जैसे आप ये एक बार करते हो, और जब आप यहाँ पे आ जाओ, अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके कुछ भी पेंडिंग्स नहीं है, देखो यहाँ पे लास्ट डिप्लॉयमेंट सक्सेस हो गया, अब जो मेरे पास ये मैंने चेंजेस किए थे, क्या मुझे इसको डिप्लॉय करना है, मुझे बिल्कुल करना है, ठीक है। तो मैंने डिप्लॉय नाउ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको हर एक चेंजेस करने के लिए डिप्लॉय नाउ पे क्लिक करना, डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये ओके किया हमने, बाकी की चीज भी आपकी सारी यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन होगी, आपकी राउटिंग इंटरफेसेस सारी चीजें, ठीक है। सो अगर मैं मार्केट रेशो की भी बात करूं, सो यहाँ पे ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है इसलिए मार्केट में है, दैट इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट एफटीडी है। एफटीडी के अंदर एफडीएम से भी आप मैनेज करते हैं, और काफी लोग करते हैं, 60-70% लोग अगर एफएमसी से यूज करें तो 40% एफडीएम से भी एक्सेस करते हैं, ठीक है। एफएमसी के लिए आपको अलग से लाइसेंस लेना होता है, एफडीएम के लिए आपको अलग से कोई भी लाइसेंस रिक्वायर नहीं होता है, ठीक है। 90 डेज का आपको यहाँ पे लाइसेंस मिल जाता है, आपको यू कैन से ट्रायल लाइसेंस मिल जाता है 90 डेज का, ठीक है। 90 डेज का आपको ट्रायल लाइसेंस मिल जाता है, सारे रिसोर्सेस आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक और डिसएडवांटेज मुझे अभी ध्यान में आया है, डिसएडवांटेज ये है इसका, कौन से ये है, लेट्स से अगर आप जिसको एफटीडी को एफडीएम में रजिस्टर कर लिया, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, वैसे आपने लोकली मैनेज कर लिया, इसको हम लोकली कहते हैं, मैनेज बाय लोकली कहते हैं इसको, ठीक है। और आपके पास फ्यूचर में आपने एफएमसी खरीद लिया, एफएमसी वैसे आप समझ लो कि ये भी एक डिवाइस है जिससे हम इस डिवाइस को मैनेज करते हैं, फायरवॉल को मैनेज करते हैं, जस्ट लाइक आपका पैलो ऑल्टो में पनोरमा होता है, फॉर्टिगेट में फॉर्टी मैनेजर होता है, और चेक पॉइंट में आपका आई डोंट नो हिज नेम देयर नेम, बट एक डिवाइस होता है जिससे हम मैनेज करते हैं चेक पॉइंट का, ठीक है। सो जस्ट लाइक यहाँ पे भी हम एफडीएम से मैनेज कर रहे हैं, बट लेट्स से अगर आप फ्यूचर में अगर आप कभी लाइसेंस खरीदते हो एफएमसी का, और आप सोचते हो कि मैं अब इस पे डिप्लॉय करता हूँ, सो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपके फायरवॉल के कॉन्फ़िगरेशन पूरी वाइप आउट हो जाएगी, जैसे ही आप इस पे डिप्लॉय करोगे आपके एफटीडी को एफएमसी के ऊपर, तो जो भी एफडीएम में आपने कॉन्फ़िगरेशन रूल पॉलिसी इंटरफेस जो भी बनाया होगा सब आपका वाइप आउट हो जाएगा, मीन्स आपका सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अगर आपने इसका कोई बैकअप भी ले रखा है वो बैकअप भी आपका एफएमसी पे काम नहीं करेगा, आपको एफएमसी पे नया एकदम जीरो से दोबारा कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। सो ये इसका अभी तक का डिसएडवांटेज है, ठीक है। सो जस्ट बी केयरफुल कि आपको किस में एक्सेस करना है। तो ये अभी तक की ओवरऑल स्टोरी है सिस्को एफटीडी के, और ये लैब सेटअप है, ठीक है।
मिलते हैं अगले वीडियो में।